नमस्कार किसान साथियों, आज बात करेंगे हम मिर्च की खेती पर और गर्मी में लगने वाली सब्जियों में जो फूल झड़ते हैं, फ्लावर ड्रॉपिंग होती है, उस समस्या पर। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि किस तरह अपनी फसलों में फूलों को बढ़ा सकें और फूलों को गिरने से बचा सकें, ताकि अपने को वही फूल आगे जाकर फल में कन्वर्ट हो जाएँ और अपने को अच्छा उत्पादन मिल जाए। तो मेन समस्या, अभी गर्मी शुरू हो चुकी है, फरवरी का महीना चल रहा है और दोस्तों 30 से 32 डिग्री टेम्परेचर अभी भी है। मैंने इसी खेत में अभी 2 दिन पहले पानी दिया है। मेरे पीछे जो मिर्ची का प्लॉट देख पा रहे हैं, इसमें 2 दिन पहले पानी दिया है, लेकिन आज मैं खेत के अंदर ही हूँ, कहीं मिट्टी नहीं लग रही है। मतलब 2 दिन में ये कंडीशन होगी, तो गर्मी बढ़ चुकी है और आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ने वाली है। तो किसान साथियों, जो ये फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या है, इनके आने के पीछे कुछ कारण रहते हैं। और सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि हर किसान को अपने पौधे से बात करना सीखना पड़ेगा। बात करने का तात्पर्य यह है कि उसमें बारीकी से अपने को अध्ययन करना पड़ेगा, तब ये चीज़ें पकड़ पाएंगे। तो किसान साथियों, फूल झड़ने में सबसे पहले हमको क्या करना है कि पौधे को देखना है। पौधे को देख के ये उसमें ये चीज़ खोजनी है कि कौन से फूल गिर रहे हैं। जो पत्तियां निकल चुकी है, उनको फूल गिर रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले पौधे से बात करने सीखनी पड़ेगी। दोस्तों, फूल गिरने में दो समस्या आती है कि फूल ऊपर की साइड से गिर रहे हैं या नीचे की साइड से गिर रहे हैं। यदि ऊपर की साइड के फूल गिरते हैं तो किसान साथियों, उसमें दो वजह हो सकती है, एक तो रोग और दूसरा पौधे का ट्रेस में होना, ठीक है। और यदि पत्तियों के नीचे यहाँ जो फूल आते हैं, छाओं में है फूल लेकिन फिर भी गिर रहे हैं, उसका कारण एक ही होता है कि अपनी फसल में रोग लगा हुआ है। रोग जड़ के माध्यम से लग सकता है और ऊपर से भी लग सकता है। तो इसके लिए अपने को एक ड्रेजिंग करनी होगी और साथ ही साथ कुछ स्प्रे और कुछ ऐसे तरीके अपनाने होंगे जिससे अपने फूल झड़ने भी खत्म हो जाएं और रोग से भी पौधा स्वस्थ रहे और अच्छा उत्पादन अपने को मिल सके। किसान साथियों, इसमें अपन यदि ड्रेजिंग की बात करें तो अपने को जड़ से थाइफेनिलमिथाइल या जो रोको के नाम से आती ना, उसकी ड्रेजिंग करनी बनती है। किसान साथियों, इसके आगे अपन बात करें कि ऊपर स्प्रे से क्या दें, तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आएगा चिलिटेज कैल्शियम। इससे क्या होगा कि अपने जो फूलों की पौधे पे जो पकड़ है वो मजबूत होगी। जहाँ फूल पौधे को पकड़े रहता है ना, वहाँ से वो ड्रॉप नहीं होगा, अच्छे से पकड़ रहेगा, उसकी मजबूत होती है। चिलिटेड कैल्शियम से उसकी पकड़ अच्छी बनती है। इसके आगे दोस्तों, अपन दूसरे नंबर पे जो स्प्रे लेंगे वो लेंगे बोरोन का। बोरोन फूलों की बढ़वार में बहुत ही सहायक है। यदि बोरोन की कमी अपने फसल में है, खेत में है, तो फूल कम बनेंगे और ड्रॉप होंगे। तो पहले नंबर पर चिलिटेड कैल्शियम ले लिया, दूसरे नंबर पर अपन बोरोन लेंगे, तो बोरोन से फूलों की बढ़वार होगी। दोस्तों, तीसरे नंबर पर एक चीज और ऐड करनी है, अपने को दूध ऐड करना है। दूध दो काम करेगा, अपने को दूध डेयरी का नहीं लेना है, प्योर जो अपने एनिमल का दूध होता है, पशुओं का दूध होता है ना, उनका दूध लेना है, डेयरी वाला दूध अपने को नहीं लेना है। इससे क्या होगा, ये दो काम करेगा। पहला, जो पौधे में ट्रेस में पौधा है ना, तो ट्रेस से ये पौधे को निकालने में काम करेगा। दूसरा, जो कैल्शियम की कमी पौधे के अंदर, जमीन के अंदर जो भी है, उसकी पूर्ति भी ये करेगा। चौथे नंबर पर दोस्तों, अपन लेंगे, इसमें हम एक PGR मिक्स करेंगे, जिसको प्लानोफिक्स के नाम से भी जाना जाता है। प्लानोफिक्स की लोगों के दिमाग में एक गलत फहमी बैठी हुई है कि फूल गिर रहे हैं मतलब प्लानोफिक्स स्प्रे कर दो। किसान साथियों, अपने को प्लानोफिक्स स्प्रे करना है। प्लानोफिक्स जो उसके अंदर एसिड आते हैं ना, वो पौधे पर फूलों की पकड़ मजबूत बनाएगा, लेकिन पौधे के अंदर जो ट्रेस है वो खत्म नहीं कर पाएगा। तो अपने को इन चीज़ों में प्लानोफिक्स को ऐड करना है, ना कि खाली सिर्फ प्लानोफिक्स का स्प्रे करना है। दूसरी बात दोस्तों, अब आती है कि डोज कितना रखें। यदि 200 लीटर पानी ले रहे हैं तो उसमें 200 ग्राम चिलिटेट कैल्शियम, 200 ग्राम बोरोन, 500 ग्राम दूध और 7 ml अपने को प्लानोफिक्स
लेना है और स्प्रे कर देना है। स्प्रे दोस्तों किसी भी हालत में ना सुबह करना है ना दोपहर करना है, शाम के समय ही स्प्रे करना है। इससे क्या होगा, पौधा ट्रेस से भी निकल जाएगा, फंगस वगैरह जो रोग है उनके कारण भी यदि फूलों की फ्लावर ड्रॉपिंग हो रही है तो रुक जाएगी और पौधा ट्रेस से बाहर होकर अच्छा फूल बनाएगा और अच्छे फल बनाएगा। दोस्तों अपने को एक काम और करना है, इन चीजों को कीटनाशक के साथ मिला के स्प्रे नहीं करना है। कीटनाशक का स्प्रे करना है तो अलग से कर दीजिए, लेकिन ये जो टॉनिक अपन तैयार कर रहे हैं, अपन स्प्रे कर रहे हैं, जो फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या है उससे निपटने के लिए जो स्प्रे तैयार कर रहे हैं, इसको सेपरेट स्प्रे करना है, अलग ही स्प्रे करना है, किसी के साथ मिक्स मिला के स्प्रे नहीं करना है। थोड़ी मेहनत ज़्यादा लग सकती है, थोड़ी लेबर ज़्यादा लग सकती है, लेकिन प्रॉपर रूप से अपने को रिजल्ट मिलेगा। तो किसान साथियों आज के वीडियो में इतना ही, और आशा करता हूँ कि आपकी जो फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्याएँ आने वाले दिनों में और बढ़ने वाली हैं तो उससे अपन इस तरह के स्प्रे करके निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और जो चैनल पर पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक नई जानकारी साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।